बिहार में बीपीएससी शिक्षक की परीक्षा चल रहा है, जहां पर काफी मात्रा में लोग परीक्षा दे रहे हैं। वहीं सिवान के महाराजगंज में एसडीएम संजय कुमार ने दूसरे के जगह परीक्षा देते युवक को पकड़ा। युवक मसरक के कनकुदरी गांव के गंगा शाह के पुत्र रंजन कुमार गुप्ता के जगह सूरज कुमार उर्फ राहुल बैठकर परीक्षा दे रहा था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। वही अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक में देखना तो फॉलो करें और यूट्यूब में देखना तो सब्सक्राइब करें, ताकि पल पल की खबर से आप अपडेट रह सके। आयोग के माध्यम से हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति जिसका बायोमेट्रिक का मिक्सअप नहीं हो रहा, मतलब बायोमेट्रिक से मैच नहीं कर रहा जी, उसकी पहचान वेरिफिकेशन के लिए आयोग के द्वारा से आया था और उमा शंकर हाई स्कूल में ये मामला था। तो कल तो मामला कल का ही था, बट आज हम लोगों ने चेक कराया, वेरिफिकेशन कराया, तो पता लगा कि एक व्यक्ति रंजन कुमार के बदले में एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा एग्जाम दिया जा रहा था। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है? हाँ, गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और उसके बाद जो व्यक्ति जिसके लिए एग्जाम दे रहे थे उसको भी प्राथमिकी में नाम भी रहेगा और अगले 5 सालों के लिए डिबार्ड करने के लिए ट्यूशन चला गया। फिर जो गिरफ्तार हुआ उनका नाम क्या है? नाम अलग अलग बता रहा है, पुलिस पर्यवेक्षण में पता लगेगा कि एक्चुअली क्या नाम है।